रोहित वेमुला, डेल्टा मेघवाल और डॉक्टर पायल तड़वी की तरह एक और बहुजन छात्र की सांस्थानिक हत्या कर दी गई। छत्तीसगढ़ के जांजगीर चांपा के 28 साल के मेडिकल छात्र डॉक्टर भागवत देवांगन ने जातीय भेदभाव और रैगिंग से तंग आकर मौत को गले लगा लिया। परिवार वालों का आरोप है कि जबलपुर के नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज में उनके बेटे को इस हद तक परेशान किया गया कि उसने खुदकुशी कर ली। जांजगीर चांपा के राहोद कस्बे के रहने वाले भागवत देवांगन अपने चार भाइयों में दूसरे नंबर के थे। उनके पिता की एक छोटी सी बर्तन बेचने की दुकान है। जातिवाद और गरीबी की तमाम मुश्किलों को पीछे धकेल कर किसी तरह एक बहुजन का बेटा डॉक्टर बनने का सपना पूरा करने में लगा हुआ था, लेकिन जातिवादी सीनियर्स ने उसका इतना उत्पीड़न किया कि उसने मरना ही बेहतर समझा। मृतक के बड़े भाई प्रहलाद देवांगन के मुताबिक उनके भाई ने कई बार घर पर बताया था कि कैसे उसके सीनियर उसको न सिर्फ जातीय ताने देते हैं बल्कि उसके साथ शारीरिक और मानसिक उत्पीड़न भी करते हैं। परिवार का आरोप है कि इस बात की शिकायत कॉलेज प्रशासन से भी कई बार की गई थी, लेकिन कभी किसी ने इस पर ध्यान नहीं दिया। वहीं कॉलेज प्रशासन ने हमेशा की तरह जातीय उत्पीड़न और रैगिंग न होने की रटी रटाई दलील दी है। परिवार की शिकायत के बाद पुलिस ने केस तो दर्ज कर लिया है, लेकिन किसी की गिरफ्तारी नहीं हो पाई है। डॉक्टर भागवत देवांगन की सांस्थानिक हत्या के बाद फिर से यही सवाल खड़ा होता है, आखिर कब तक दलित, आदिवासी और पिछड़ों की नस्लें यूं साजिश का शिकार होकर दम तोड़ती रहेंगी। ब्यूरो रिपोर्ट, द शूद्र।